अगर मैं आपको सांगकेन के बारे में कुछ शब्दों में कहूँ तो सांगकेन एक त्यौहार है जहाँ पर पुराने साल की विदाई और नए साल को बड़े हर्ष के साथ स्वागत किया जाता है। सांगकेन त्यौहार अरुणाचल प्रदेश और असम के कुछ हिस्सों में पारंपरिक नव दिवस के रूप में मनाए जाते हैं। सांगकेन 14 से 16 अप्रैल थेरवादा बौद्ध समुदाय द्वारा मनाए जाते हैं। सांगकेन अरुणाचल में हमती सिंको, खामयंग तांगसा और आयतन जाति के द्वारा मनाए जाते हैं। असम में टाइफा के ताए आयतन ताए तुरुंग और खमयंग जाति के द्वारा सांगकेन मनाए जाते हैं। इस त्यौहार का मुख्य आकर्षण स्वच्छ जल की छिड़काव या बौछारें है जो कि शांति और आकर्षण का प्रतीक है। सांगकेन त्यौहार की शुरुआत से पहले एक अस्थायी तीर्थ का निर्माण किया जाता है जिसे क्योंगफ्रा कहते हैं। सांगकेन के दौरान बुद्ध की मूर्तियों को क्योंगफ्रा में रखा जाता है। का पहला दिन एक शुभ समय पर बुद्ध की मूर्ति को सिंहासन से बाहर ले जाया जाता है और साथ में ढोल और झंझे को बजाते हुए बुद्ध की मूर्तियों को क्योंगफ्रा में रखा जाता है। क्योंगफ्रा में विशेष रूप से डिजाइन किए गए फव्वारे हैं जिन्हें कुंपुन कहते हैं। कुंपुन के माध्यम से ढाले गए स्वच्छ और सुगंधित पानी को बुद्ध की मूर्तियों पर छिड़का जाता है और भक्तजन इसे पवित्र जल के रूप में जमा करते हैं। लोग मोनेस्ट्री में प्रार्थना करते हैं, भोग चढ़ाते हैं, मिठाई बांटते हैं और आपस में पानी ढालकर या छिड़क कर सद्भावना बांटते हैं। पवित्र वस्तुओं और मंग पर पानी ढालते हैं और उनसे आशीर्वाद लेते हैं, जिससे उनका नए साल अच्छे से जाए। सांगकेन के आखिरी दिन एक निर्धारित समय पर सभी मूर्तियों को उनका असली स्थान पर रखा जाता है। ये पुराने साल का अंत का दर्शाता है। सांगकेन पुराने साल की विदाई और नए साल को खुशियों के साथ स्वागत करते हैं। आखिरी दिन में भक्तजन पंचशील या अष्टशील का व्रत लेते हैं और मोंग के पांव धोकर और उनसे आशीर्वाद लेते हैं। नए साल का स्वागत सामूहिक प्रार्थना और दावत के साथ किया जाता है। इस दिन को पोय सांगकेन कहते हैं। इस दिन सभी भक्त भक्ति और उत्साह के साथ मनाते हैं। लोग मोनेस्ट्री में जाकर सफाई करते हैं, पवित्र जल का छिड़काव करते हैं। इस दिन को बुद्ध की पूजा करने के लिए समर्पित किया जाता है, ताकि वे मानव जाति को सुख और समृद्धि का आशीर्वाद दें। दानी दाबोताने समागतानी बुमानी बायानी बा अंताली के साबे बाबोता सुमना बाबांतु आतो पिसा काचा सुनंतु बासुतम तस्माहि भूतानि समेता साबे मेतम करोता मनुष्या पाजाया देवाचरतो चाहरंति ये बले तस्माहि मेरा कदा अपमता It's been such a mati manantari kaniamaho samadina tena samona vijati idam bidam merah tanam kanetam etena sacena suvati hoto। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं विशेष धन्यवाद श्री गणेश अंकु लाजुंग को देना चाहता हूँ। इन्होंने मुझे सांगकेन के ऊपर में जानकारी दी है और उसी जानकारी को मैंने आप तक पहुँचाया है। और मैं आपको इनके बारे में कुछ कुछ बता देता हूँ। ये श्याम गाँव के मुखिया है और ताए भाषा के विशेषज्ञ है और बहुत सारे विद्यार्थी इनसे सीखने के लिए आता है और इन्होंने मुझे बहुत सारे चीज़ें मुझे सिखाया है और बुद्धिज़्म के बारे में भी मुझको बहुत सारा ऐसा चीज़ बातें बताई है जो मुझे पता नहीं था। और आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को अपना दोस्तों और परिवार के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा और बाकी वीडियो की तरह इस वीडियो को भी अपना प्यार जरूर दीजिएगा।